खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का एच के इनियोस में खैर मकदम है। बतारीख 9 अगस्त बरोज़ जुमा को बसवा कल्याण तालुका के एक्स MLA मलिक अर्जुन एस खुबा साहब ने बसवा कल्याण तालुका के सारे ऑफिस पहुंचकर सारे गवर्नमेंट कामों का जायज़ा लिया। जैसा कि आज बसवा कल्याण के PWD ऑफिस जाकर ऑफिसरान से खसूसी तौर पर बातचीत की। इस PW ऑफिसर से कहा कि जो हाल ही में बसवा कल्याण में CMC कमिश्नर और आपने मिलकर रोड की सफाई की, क्या लोगों को क्या बताया गया था कि रोड के सेंटर से कितना फीट छोड़ना है, और कहीं पर भी आपके ऑफिस में प्लान का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, और बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए। और वहां से सालम एरिया का भी दौरा किया गया और MLA शर्नुल सालगर के ऊपर ये आरोप लगाया कि ये सलम एरिया जो कि गवर्नमेंट मकान होते हैं और बिना मीटिंग करे डिक्लेरेशन किया है MLA अपने लेटर पर मकान को अलॉटमेंट किया है। XMLA मलिक अर्जुन एस खुबा ने कहा कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है बसवा कल्याण से नुमाइंदा रिपोर्टर शेख असलम की HK न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओपन आगद बट फर्निचर इला वन तंदी दे सर फर्निचर हां वन दो नीम PWD स्कीम एनो अंबोद वंदु कडी बोर्ड इला नी मिनिस्टर फोटो भी ले ली। एक मिनिस्टर का फोटो भी नहीं है, जाकी वाली सब का फोटो नहीं, तो आप बिल्कुल ये हिंदुस्तान का सरकार में नहीं है, तुम दूसरा देश का सरकार में काम कर रहे। शर्म की बात है, मैं आया कोई PWD के काम चल गए, जाके वाले साहब कर्नाटक से यहाँ आके कितना कितना फंड दिए उसका भी नहीं है। ये उसकी बार जो आप जो भी लेटर देते उसको बोलते इले ननबल सिगला बसव कल्याण मोदी बसव कल्याण इला कानून अद कानून बिट नहीं रोड बंद मे अल अल ऐसी चालू माड़ी ना ಯೋದಿಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ರೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಮಾಡಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಜಾಗಿಗಳ ಸಭೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ನಿಮ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೇನದ ಸೀದ ಇಲ್ಲ ನಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ CM ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಿ ಅದಕ್ಕೇನದ ನಮ್ ಸಲಿಕೆ CM ಆಗ ಚೇಕಗಳು ಮಂದಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ CM ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿ ಪಿಟಿಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಂದಿ ಸಾಯ್ಲತ್ತಾವ್ वो भी स्टेटमेंट में इनको पूछो इनको करते नहीं करते इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे स्टेटमेंट नहीं कोटे के लिए प्रजावाणी तक बात जब तो कोटे के नंद कोटे की मार्च तक नंद क्या होगा फंड बंद है क्या फंड हिल नंद थिया की सरकार तक अल्लाह जगह ने बात जब तक शरणों सलगा की फंड तंत्र में देश है वो भी लेटर लिखा ये को कुछ बोलते हैं किनको ये को माता नहीं ये माता VIP गेस्ट हाउस उद्घाटन कर गए खंडगे साहब का नाम खड़ा कर गए फर्नीचर नहीं कुछ नहीं हाँ। सर ये है और केड़ माइकी के बोलते सर जरा दर्शन को एक एक भी उत्तर नहीं पूरा जाना एक साहब ने निहत्ते जरा पूरा पूरा इनके पास जाना जरा खेल जगह ये गलत रे होले जी नान साहब ये माता ये दिन मत नाम नवीन मडी रे ये अचानक बंद नम MLA हेल्तर याक नमल पांच अद्वल वेंकटगौ PWD PWD आवाज है PWD को आया था MLA सब बात कर हमारा देश का भाषा हिंदी उसके ऊपर ज्यादा बॉर्डर गिर गया है। ये जो स्लम बोर्ड का जो एरिया में मकान देने का है गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी का जो सोच है जो स्लम मतलब जो एरिया डेवलप नहीं हुआ स्लम एरिया है वो वार्ड डिक्लेयर है उस एरिया में बनाने के लिए कानून है जहाँ जगह नहीं है इसलिए G+2 लेटर पैड पे दिए उन्होंने दिए RTA में मेरे को नहीं मालूम ये देखो उनका लेटर पैड है कोई मीटिंग नहीं है ना प्रोसीडिंग नहीं है कुछ नहीं उनका लेटर पैड है ये लिए वाले कौन स्लम वाले ये नहीं लगी नमक MLA और लिस्ट कोटा का आ लिस्टिंग पढ़कर MLA किनको किनको दियो बोले उनको उनको हमने दिए बस
कोई कमेटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किनको दियो बोले उनको दिए हम। तो फिर बाबा साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, देश में मिले, और ये कमेटी के अंदर सिलेक्शन हो गए नहीं हो गए इसकी सिटी में और गूगल में इनका जो लिमिट है कितना फीट बाय कितना है, और इनके जो ब्रिज के लिए उसको भी सीधा नहीं करे, ना एडब्ल्यू करे ना उन्हों करे, अदक भी दुड इल्ल निम्मल्लि ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿತು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಸೇರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಲೀಕೇಜ್ ನೀ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಯೇ ಫಲಾನಾ ಫಲಾನಾ ಮೈ ಕಟ್ತು ಕಬ್ ಕಟ್ತೈ